हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड विद फ्लेवर्स कुक विद अर्चना। आज हम लोग बनाएंगे आलू का पराठा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आलू का पराठा बनाने के लिए हमें लगेंगे 2 उबले हुए आलू, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया पत्ता कटा हुआ बारीक कटा हुआ। पराठा सेकने के लिए घी लगेगा हमें, सौंफ लगेगी 1 चम्मच, हमें नमक लगेगा 1 चम्मच, गरम मसाला लिया है मैंने, हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है, हल्दी पाउडर लिया है थोड़ा सा, और आमचूर पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। गेहूं का आटा लिया है मैंने 1 कप, जिसमें से थोड़ा सा सूखा आटा हम पराठा बेलने के लिए बचा कर रखेंगे। थोड़ा सा तेल लिया है मैंने और थोड़ा पानी लिया है आटा गूंदने के लिए। चलिए सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। इसमें से मैंने थोड़ा आटा ले लिया है और थोड़ा आटा हम सूखा पराठा बेलने के लिए बचा कर रखेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। थोड़ा सा तेल भी ऐड कर देती हूँ इसमें मैं अभी। अब तेल डालकर हम इसे सूखा ही ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही गूंदेंगे इसे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है हमें, थोड़ा सख्त ही गूंदना है। ज़्यादा सॉफ्ट गूंदेंगे तो पराठा भी फट सकता है, इसलिए आटे को थोड़ा सख्त ही रखना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही गूंदेंगे इसे। देखिए इस तरह से, और थोड़ा पानी डाल देती हूँ मैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसे गूंद लीजिए। देखिए अभी हमारा आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं हाथों से, तेल लगा कर इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं हाथों से। इसे थोड़ा सा अच्छे से गूंद के सॉफ्ट कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रख देते हैं। अब हम पराठे की स्टफिंग बना लेते हैं। जो दो आलू लिए थे मैंने, उन्हें मैं अच्छे से स्मैश कर लेती हूँ। आलू को हमें ठंडे ही लेना है, गरम आलू नहीं लेना है, नहीं तो उसमें से पानी छूटने लगेगा। इसलिए आलू उबाल के पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए और उसके बाद ही आलू हम स्मैश करेंगे। देखिए ये अच्छे से इस तरह से मैं इसे स्मैश कर रही हूँ। अभी हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज को एकदम बारीक काट लिया है मैंने। कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। हल्दी, हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ थोड़ी सी। सौंफ, 1 चम्मच सौंफ ली है, वो भी उसमें ऐड कर देती हूँ। कटी हुई हरी मिर्ची डाल देती हूँ। अगर आप लोग तीखा कम पसंद करते हैं तो आप लोग इसे कम भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ। 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देती हूँ। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। और लास्ट में मैं थोड़ा सा नमक मिला देती हूँ इसमें।
अभी हम इस मिश्रण को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हाथों से मिक्स कर लीजिए ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आलू की जो गुठलियाँ भी रह गई होंगी तो वो भी अच्छे से स्मैश हो जाएंगी। देखिए ये मिश्रण इस तरह से मिक्स हो गया है अच्छे से। अभी हमारा स्टफिंग अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हम इस मिश्रण के बॉल्स बना लेंगे ताकि पराठा बेलने में आसानी हो जाएगी। आप जितने साइज जितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं उतने साइज के बॉल्स बना लीजिए। देखिए मैंने इतने इतने बॉल्स बना लिए। ये देखिए हमारे बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अभी हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैं अभी आटा ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने इतने साइज़ का आटा ले लिया है। अभी हम इसे हाथों से ऐसे करके इसे कटोरी के शेप में बनाएंगे और इस तरह से कटोरी बना लेंगे। इसकी बीच में से थोड़ा मोटा रखेंगे और साइड से थोड़ा पतला करते जाएंगे और इस तरह से इसे कटोरी के शेप में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी कटोरी बना ली है मैंने और स्टफिंग को अभी इस तरह से इसमें रख दूंगी मैं और इस तरह से इसे पैक करती जाऊंगी। ये देखिए हाथों से इसे चारों तरफ से घुमाते हुए आटे को इस तरह से ऊपर तक लेकर आना है और इसकी स्टफिंग को अच्छे से पैक करना है। इस तरह से चारों तरफ से हाथ घुमाते हुए आटे को ऊपर तक लेकर आना है और इसे अच्छे से पैक कर देना है। ये देखिए अभी दोनों चारों तरफ से इस तरह से हाथों से दबा दीजिए, हल्के हाथों से इस तरह से चारों तरफ से दबा दीजिए इसे। अब हम इसे इस तरह से हाथ सूखे आटे पर भी हाथों से प्रेस कर लेंगे चारों तरफ से इस तरह से। दोनों तरफ से सूखे आटे पे हम इसे हाथों से दबा लेंगे ताकि इसकी स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। देखिए इस तरह से सूखे आटे पर कर लेंगे अच्छे से ताकि हमारा पराठा फटेगा नहीं। अभी हम इसे बेल लेंगे हाथों से, पहले अच्छे से और प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी स्टफिंग अच्छे से सब तरफ हो जाएगी और इसे अभी हल्के हाथों से हम बेलन से इसे बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलना है, इस तरह से बेलना है, ज्यादा बड़ा नहीं बेलना है, इतना ही बेलना है। ये देखिए पराठा अच्छे से बेलकर हो गया है अभी हमारा। अब हम इसे घी लगाकर सेकेंगे। अभी हमने तवा गरम कर लिया है। अभी हम पराठे को तवे पर सेकेंगे अच्छे से। पहले हम एक तरफ से सेक लेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर घी लगाएंगे। अभी मैं पराठे को पलट देती हूँ और उसके ऊपर अभी घी लगा देती हूँ। इस तरह से
अच्छे से घी लगा दीजिए। आप लोग इस पे तेल भी लगा सकते हैं, पर मैंने घी लगाया है क्योंकि घी से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अभी दूसरी साइड से भी इसे घी लगा लेंगे, हम पलट देंगे पराठे को और दूसरे साइड से भी अब हम इसे घी लगाकर सेक लेंगे। बार बार पलटना नहीं है पराठा, नहीं तो फिर पराठा फट सकता है। ये देखिए हमारा पराठा कितने अच्छे से बन के तैयार है। मैं इसे पलट के दिखाती हूँ, अच्छे से सीख गया दोनों तरफ से। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी हम इसे इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे से बनकर तैयार हैं। आप लोग इसे दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। ये देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे बने हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बने हैं। आप लोग भी इसे अपने अपने घर में ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।